अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ स्पाइसी रिव्यू। मैं हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ क्या बेहतरीन होंगे, मज़े में होंगे, मौसम एंजॉय कर रहे होंगे, सर्दी एंजॉय करें। मैं इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हूँ। अगर आपने मेरे साथ मेरी जर्नी एंजॉय करनी है, मैं किस तरह से वेकेशन एंजॉय कर रही हूँ, तो मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल पिन कर दिया है, जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लें। महविश हयात जी एक बार फिर से लोगों की कड़ी तनकीद में, हालांकि देखा जाए तो उन्होंने एक नॉर्मल सा ही शूट करवाया है, लेकिन कुछ लोगों को वो नॉर्मल नहीं लग रहा और लोगों ने कहा है कि बेहयाई बेगैरती हमारे अदाकार जो हैं उनकी अरूज पर है और इनकी बेगैरती की वजह से हम अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे। अब ये क्या मामला है, क्या कपड़े पहन लिए, कौन सा शूट करवा लिया, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो आप देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ये गलती है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारी पाकिस्तानी अदाकारें जो हैं वो टक्कर दे रही हैं इस वक्त हॉलीवुड और बॉलीवुड को, और वो कहती हैं कि हमने अपनी फिल्मों में, हमने ड्रामों में काम तो करना है सती सावित्री बन के, यानी कि दुपट्टों में, चादरों में, या टॉप्स या जीन्स, ऐसे कपड़े जिसमें कोई नंगापन नहीं है, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन होते हैं तो हम नंगे होके पहुंच जाते हैं। अवार्ड फंक्शन पाकिस्तान में ही होते हैं, लाहौर में ही होते हैं, कराची में होते हैं, तो हम बेहयाई की सारी हदों को पार कर लेते हैं, इतनी वल्गैरिटी, पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे होते हैं, कपड़ों के नाम पर जो है चिंदियाँ हमारे पास होती हैं और सब सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इनको हुआ क्या है। अब जी महविश हयात को एक बार फिर से तनकीद का निशाना बनाया। महविश हयात को जी बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, चाहे उनको अवार्ड मिले या वो किसी प्रीमियर में जाएं या वो किसी अवार्ड फंक्शन में जाएं, सारे लोग हाथ मुंह धोके जो है महविश हयात के पीछे पड़ जाते हैं। अभी देखा जाए तो उन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट जो है अपना कुछ तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पर, और उसमें उन्होंने वाइट कुर्ता लग रहा है या टॉप उन्होंने पहना हुआ है। अब जी उन्होंने उसको अपने बाजू को थोड़ा सा नंगा किया हुआ है और जो उन्होंने पोज बनाए हुए हैं मुंह अजीबोगरीब, मतलब लोगों को प्रॉब्लम ये है कि कपड़े तो पूरे पहन लिए हैं लेकिन उन्होंने कैप्शन लिखा मूड और उस पर इमोजी बनाई है लिप्स की। अब वो मूड जब लोग उसको उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो इतनी गंदी वल्गर किस्म की उन्होंने शक्लें बनाई हुई हैं इन तस्वीरों में, तो लोग उसको मूड से रिलेट कर रहे हैं कि किस तरह का मूड है और किस तरह का ये वाहियातपन है, किस तरह का ये नंगापन है, किस तरह की हमारी अदाकारें जो हैं आजकल चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं। तो अब हाल ही उन्होंने फ़ोटोशूट किया है, मद्दाहों के साथ शेयर किया, कुछ लोगों ने बड़ी तारीफ की, मिले जुले रद्दमल को फेस किया, लोगों ने बड़ी तारीफ की कि बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने भी समझने की कोशिश की थी कि प्यारी अगर वो नॉर्मल चेहरा बनाती और अच्छे तरीके से उसको फोटोशूट करवाती तो वो बहुत प्यारी लगती, लेकिन जो उन्होंने मतलब एक अलग सा देने की कोशिश की हुई है अपने मूड को, अब उनका मूड उस क्या था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो उन्होंने फ़ोटोशूट करवाया है उसके बाद लोग उनको जो है काफ़ी अजीब जो है वो कह रहे हैं कि यार आपने क्या कैप्शन लिखी हुई और आपने कैसी शक्लें बनाई हुई हैं। महविश ने बाल वगैरह खोले हुए हैं, मुख्तलिफ पोज जो है दे रही हैं और उनको लगता है कि अवाम को जो वो बड़ा कैची लगेगा, लेकिन अवाम को कैची नहीं लगा इस बोल्ड, मैं बोल्ड तो नहीं कहूँगी इसको, पता नहीं क्यों बोल्ड कहा जा रहा है। चलें ठीक है, इस बोल्ड फोटोशूट पर तरफ अदाकारा को कुछ सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से बहुत तनकीद का निशाना करना पड़ा है, लोग फिर तारीफ भी कर रहे हैं। कॉमेडी फिल्म में उनकी जवानी फिर नहीं आनी और ये अपने फोटोशूट की वजह से इस वक्त जो है सारी तोपों का रुख उन्होंने अपनी तरफ मोड़ लिया है और अब इनकी कुछ ब्लैक एंड वाइट तस्वीर भी रद्दमल कुछ ऐसे ही है। कुछ दिन पहले भी इनका फोटोशूट आया था तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनको बुरा भला कहा था। इन तस्वीर पर जहाँ मद्दाहों की बड़ी तादाद ने रद्दमल का इजहार किया है, वहीं सबा कमर भी इस फोटोशूट पर फिदा दिखाई दे रही हैं। अब सबा कमर के बारे में बंदा क्या बात करे, हालिया जो उनका अवार्ड फंक्शन था जिसमें वो सबसे ज़्यादा वाहियात कपड़े पहन के गई थी, इन लोगों को हम फॉलो करते हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में काम करते हुए ये हॉलीवुड और बॉलीवुड को टक्कर दे रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस तरह के रोल्स करती हैं लोग समझते हैं कि आप वैसे ही हैं, लोगों को भी समझना चाहिए आप लोग वैसे नहीं, आपकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन नंगापन तो किसी भी कल्चर का हिस्सा नहीं होता, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नंगापन, जिस्म दिखाना, मेरा ख्याल है कि इंसान की खूबसूरती जो है वो ढक कर होती है। बाकी इनकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी लाइफ है, जो दिखाना दिखाएं, देखने वाले देखते हैं और देखने वालों की वजह से ये स्टार बनते हैं। अगली वीडियो का इंतजार करें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए। बाय बाय।